नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो। मैं सौरभ नीलेश आज आपके लिए खासा प्रोग्राम लेकर आया हूं, जिसका नाम है करे योग रहे निरोग। इस कार्यक्रम के दौरान हम ऐसे योगाभ्यासों को देखने जा रहे हैं जो आप अपने प्रतिदिन के कार्यों के दौरान कर सकते हैं। आप यदि कार चला रहे हैं या कार में बैठ के कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तब कर सकते हैं, यदि आप किचन में काम कर रही हैं तब आप कर सकते हैं इसको। और अलग अलग कार्यों को करते समय कैसे योग करें, कौन से योग करें, उनको हम लोग इस कार्यक्रम के दौरान देखने जा रहे हैं। इसमें हम आज देखेंगे कि यदि आप कार में बैठे हुए हैं और कार से कहीं जा रहे हैं तो कौन से योगाभ्यास आप कर सकते हैं, कौन से मेडिटेशन आप कर सकते हैं, यदि कोई प्राणायाम आप कर सकते हैं तो उनको कैसे किया जाए। आज हम लोग कुछ ऐसे योगाभ्यासों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आप अगर किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो कौन से ऐसे अभ्यास हैं जो कि आप उस समय कर सकते हैं। हालांकि यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप किसी कार को या चार चक्का वाहन को आप ड्राइव कर रहे हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि आप उस समय अपना पूरा फोकस गाड़ी चलाने पर ही रखें। यदि आप पैसेंजर सीट पर गाड़ी में बैठे हुए हैं उस समय आप कौन कौन से अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर कई बार होता है कि लंबे जर्नीज में, लॉन्ग ट्रैवल्स के दौरान बॉडी हमारी स्टिफ हो जाती है, पीछे बैठे बैठे गर्दन में, कंधों में दर्द आ जाता है, घुटनों में दर्द आ जाता है, तो कौन से ऐसे अभ्यास हैं जो कि आप उस समय बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ अभ्यास हैं जैसे कि आप यदि पैसेंजर सीट पर बैठे हैं तो आप बैठे बैठे शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं, लेकिन शोल्डर रोटेशन में खासा ध्यान रखिएगा कि यदि आपके अगल बगल कोई बैठे हैं तो उनको परेशानी ना हो, वह देखते हुए शोल्डर रोटेशन का आप अभ्यास करें। शोल्डर रोटेशन के अभ्यास से फायदा क्या होना है कि शोल्डर्स की जो स्टिफनेस है, लंबे जर्नीज में बैठे बैठे अक्सर स्टिफ हो जाता है शोल्डर, शोल्डर पेन आ जाता है, तो वह शोल्डर पेन आपको नहीं होगा। इसके अलावा आप नेक रोटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। नेक रोटेशन का अभ्यास 4 स्टेजेस का होता है। सबसे पहले गर्दन को सामने की ओर झुकाने का और सांस लेते हुए पूरा पीछे की ओर ले जाने का। दूसरे अभ्यास में गर्दन को दाहिनी और बाईं ओर घुमाने का। तीसरे अभ्यास में गर्दन को दाहिने कंधे और बाएं कंधे की ओर झुकाने का। और इसके अंतिम अभ्यास में गर्दन को सर्कुलर रोटेशन में पूरा गोल घुमाने का है, एक बार क्लॉकवाइज फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो इस अभ्यास को, नेक रोटेशन के इस अभ्यास को करने से सर्वाइकल रिलेटेड अगर आपको समस्या है तो वो नहीं होगी। नेक स्टिफनेस अगर है, लंबे जर्नी में, कार में ट्रैवल करने के दौरान अक्सर नेक में स्टिफनेस आ जाता है, वो स्टिफनेस आपको नहीं रहेगा। साथ ही साथ आप कुछ प्राणायाम है उनका भी आप अभ्यास कर सकते हैं। ये ऐसे प्राणायाम है जो लंबे जर्नी में जो आपको हरासमेंट अगर होता है, थकान होती है, सिर दर्द होता है, तो उसको कम करता है। उसके लिए आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम आप बगैर कानों पर हाथ लगाए भी कर सकते हैं। यदि आपके पास स्पेस है तो आप कानों पर हाथ लगा के आराम से भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन इस प्राणायाम को करते समय अपने ड्राइवर को जरूर बोल दें घबराने के लिए नहीं, आप सिर्फ योग कर रहे हैं। भ्रामरी प्राणायाम के अलावा आप अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं। सन्मुखी मुद्रा में अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से क्या होगा कि यदि आपको घबराहट होती है गाड़ी में बैठने में या लंबे जर्नीज में घबराहट होती है तो वो घबराहट होना कम हो जाएगा। इसके अलावा आप एक ऐसा अद्भुत मेडिटेशन है जिसको आप गाड़ी में बैठे हुए कर सकते हैं, आवाज हो, शोरगुल हो, फिर भी कर सकते हैं। आप किसी भी पोजिशन में बैठे हुए हों इस अभ्यास को कर सकते हैं। यह अभ्यास अंतर्मौना का अभ्यास है। अंतर्मौना के अभ्यास से क्या होगा कि आपके मन में यदि अच्छी बुरी किसी भी तरह की कोई विचार आ रहे हैं तो वह विचार नष्ट हो जाएंगे, अर्थात आप अगर स्ट्रेस में, तनाव में हैं तो आपका तनाव कम हो जाएगा। अब मैं कुछ ऐसे अभ्यास भी बताऊंगा जो उन व्यक्तियों के लिए हैं जो गाड़ी खुद चलाते हैं, कार को खुद ड्राइव करते हैं। तो कार को ड्राइव करते समय तो आप कोई योग कर नहीं सकते, क्योंकि आपको अपना पूरा फोकस जो है वो रास्ते पे और गाड़ी चलाने पे रखना चाहिए। तो क्या करें भाई, इस समस्या का तो कोई समाधान होना चाहिए कि क्या किया जाए। तो मैं अब आपको कुछ ऐसे अभ्यास बताऊंगा जो आप गाड़ी चलाते समय कर सकते हैं।
सबसे पहले अपनी सिटिंग पोजीशन जो है, अगर आप कार चला रहे हैं तो आपके स्पाइन की पोजीशन स्ट्रेट होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो कभी आपको कमर दर्द, पीठ दर्द की परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा यदि आप स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए हैं और किसी रेड लाइट पे, सिग्नल पे आपकी गाड़ी खड़ी है, तो उस समय क्या करें, स्टीयरिंग को दोनों हाथों से पकड़ लें और मुट्ठी बंद करके हल्का हल्का प्रेशर अप्लाई करना है स्टीयरिंग पे। हल्का हल्का प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा कि आपके फोरआर्म्स में, हाथों में ब्लड सर्कुलेशन वापस से तेज होगा, क्योंकि अगर आप लंबा ड्राइव कर रहे हैं, कंटिन्यूस आपका हाथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर है, तो यकीनन आपके हाथों में दर्द आ जाएगा। लेकिन इस अभ्यास को करते रहने से आपके हाथों में ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, तो यकीनन दर्द नहीं होगा, आपके हाथ रिलैक्स्ड रहेंगे। इसके अलावा जब आप गाड़ी से उतरें तो यदि आपके कमर में स्टिफनेस महसूस हो रही हो तो आप अर्धचक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। गाड़ी से उतरते ही आपने दरवाजे को बंद किया गाड़ी की, खड़े हो गए और बैक बेंड कर लिया, पीछे की ओर झुक गए जितना आप जा सकते हैं, यही है अर्धचक्रासन का अभ्यास। इसके अलावा आप कटी चक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। गाड़ी से उतरकर हाथों को दोनों ओर फैला लेते हैं और कमर से पूरे शरीर को दाहिने और बाएं ओर घुमाने का प्रयास करते हैं। कटी चक्रासन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी में जितना भी तनाव आपके आता है, स्ट्रेस आता है, वो सभी तनाव कम हो जाएगा। कमर में, पीठ में यदि दर्द है तो वो तुरंत कम हो जाएगा। साथ ही साथ लंबे समय तक बैठे रहने से, गाड़ी चलाते रहने से पैरों में दर्द आ जाता है, कई बार पैर में स्वेलिंग्स भी आ जाती हैं। तो उनके लिए क्या उपाय है? उनके लिए उपाय है कि जब आप गाड़ी से नीचे उतरें, आराम से आप खड़े हो जाएं दोनों पैर सटा के और अपने पूरे शरीर को पैर के अगले पंजों पर उठाएं, अंगूठों के दम पर पूरे शरीर को उठाएं और फिर नीचे ले जाएं। 5 से 10 बार इस अभ्यास को करें। इस अभ्यास को करने से क्या होगा, पैरों में जो रुका हुआ ब्लड फ्लो है वो वापस से चालू हो जाएगा, और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन चालू होगा तो आपके पैरों में रिलैक्सेशन फील होगा, स्वेलिंग कम होने लगेगी, दर्द कम हो जाएगा, घुटनों पे जो प्रेशर पड़ा है वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आप लंबे समय तक ड्राइव कर रहे हैं तो अपनी आँखों को ठंडे पानी से धोना ना भूलें, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक जब आप आँखों को खुला रख कर गाड़ी को चला रहे होते हैं तो आँखों के टीयर ग्लैंड्स जो हैं वो सूखने लगते हैं, तो रुक रुक कर आँखों पर पानी डालने से वो टीयर ग्लैंड सूखेंगे नहीं, आँख आपकी हेल्दी बनी रहेगी, नज़र कमज़ोर नहीं होंगे, तो आँख को ठंडे पानी से धोना है। ये थे कुछ अभ्यास जो कि आप किसी भी कार में बैठे हुए कर सकते हैं या कार से उतरने के बाद आप कर सकते हैं इन अभ्यासों को। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं सौरभ निलेश, आप सुन रहे थे कार में बैठे बैठे कैसे करें योग। सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो।